एक्टर अनुपम खेर का वीडियो शेयर करके बुरा फंसे एंकर आमिष देवगन, हो गई भारी बेइज्जती। सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर न्यूज 18 के एंकर आमिष देवगन बुरी तरह ट्रोल हो गए हैं। एंकर ने अभिनेता अनुपम खेर का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कुछ लोगों पर बिना नाम लिए कटाक्ष कर रहे हैं। एंकर भी आए दिन अपने बयान और पत्रकारिता के चलते बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करते हैं, इसलिए उन्होंने एक्टर का ये वीडियो शेयर किया है। एक्टर वीडियो में कह रहे हैं कि जब कोई एक शख्स आपको पसंद नहीं करता तो वो जल्दी एक दूसरा शख्स ऐसा ढूंढ लेता है जिसे भी आप कतई पसंद नहीं है, और इससे पहले कि आपको इस बात का एहसास हो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। मजे की बात यह है कि ये लोग जो आपकी वजह से इकट्ठा हुए हैं ये एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते, ये सब तो साथ आए हैं केवल आपकी वजह से। आपने देखा आप कितने ताकतवर हैं। एक्टर अनुपम खेर का ये वीडियो शेयर करके आमिष देवगन ने कहा उन सभी ट्रोलर्स के लिए खासकर कि वो लोग मुंह छुपाकर ट्वीट करते हैं, अनुपम खेर जी ये बहुत अच्छा था। आमिष देवगन के इस पोस्ट पर जनता ने उन्हें ही आड़े हाथों लेते हुए कहा, आमिष जी मुझे मालूम है कि आप मुझसे और मेरे कुछ साथियों से थोड़ा परेशान रहते हैं। आपने 2020 में भी भाजपा आईटी सेल की से मुझे परेशान करने के लिए मदद मांगी थी, उन्होंने थोड़ी कोशिश भी की थी, लेकिन हमारी लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं है। आप वेलफेयर को रेवड़ी कहते हो और भाजपा की रेवड़ी को प्रसाद, इसलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं। रही बात मुंह छुपाने की, आप जहां चाहें जितने मर्जी कैमरा लगाकर सीधा संवाद करना चाहें हम तैयार हैं, बस इतना याद रखिए कि हम आपकी और खेर जैसे दो मुंह की हर बात का जवाब डट कर देंगे। और मूर्खों इसी को जनतंत्र और अनेकता में एकता कहते हैं। आपस में भिन्न मत रखने वाले भी किसी एक के विरुद्ध हो सकते हैं और जिसके विरुद्ध हैं उसको हारना पड़ेगा। एक ही मत के लोग तो किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज में मिलना संभव है, सिर्फ किसी के भक्ति एक मत के हो सकते हैं। सर बहुत फनी था, लेकिन मुद्दे पर तो आइए, आखिर ये लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? इतने कितने घटिया किस्म के आदमी हो आप कि इतने लोगों को पसंद नहीं हो? सब लोग जो उसकी वजह से एक साथ में आए हैं तो आखिर क्यों एक साथ में आए हैं? क्योंकि वह आदमी चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, झूठा और खानदानी दरिंदा होगा जो किसी के नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की बात करता है। इसीलिए एक दूसरे को ना चाहने वाले लोग भी उस आदमी को हटाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। अनुपम खेर के वीडियो पर आमिष देवगन की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते